डियर स्टूडेंट, टेस्ट पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट पेपर देते समय अगर कहीं पर गलती होती है तो यह गलती होने का रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। इसलिए गलती का चांसेस ना हो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, आपको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो है भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो आप लोगों को अपने मोबाइल में क्या करना है, मैसेज वाला जो ऐप होता है उसको ओपन करना है। ठीक है, देख लीजिएगा मैसेज वाला कहाँ पर है। तो मान लीजिए मैसेज वाला है सेटिंग के बगल में, तो मैसेज वाला जो ऐप होगा उसको मैंने ओपन कर लूँगी। और इसमें जो है इनबॉक्स में जो कोचिंग से, एक्सीलेंट सिविल एकेडमी कोचिंग से मैसेज सेंड किया जाएगा उसको आप लोग ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये मैसेज आया है तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा https://forms.gla। ठीक है, इस तरह से आपको एक लिंक दिखाई देगा ब्लू कलर का। तो उस लिंक पर आप लोगों को एक बार टच करना है। जैसे ही उस लिंक पर एक बार टच करेंगे तो वो लिंक आपके मोबाइल में खुल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो लिंक खुलेगा ये पेपर का लिंक है, और जैसे ही लिंक खोलेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और एक लिमिट होगा, उतना ही टाइम तक आप लोग दे सकते हैं टेस्ट पेपर का। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग अपना नेम डाल देंगे। नेम आपके स्टूडेंट में, मान लीजिए मैंने डाल दिया पी कुमार, और मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने 9050354081। और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे गांधी जी ने किस कानून को काला कहा था, हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोसला, रॉलेट एक्ट, कमनल अवार्ड। तो मान लीजिए जो भी आपको सही लगेगा उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसको जो भी आंसर सही लगेगा उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं सी को सिलेक्ट कर लूँगी, तो सी को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वहां पर ब्लू कलर का जो है बन जाएगा। ठीक है, दिखेगा कि नहीं आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बगल में नीचे क्लियर सेक्शन जो है दिया है, अगर आपको लग रहा है कि जो है ये मैंने गलत कर दिया है और ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो क्लियर सेक्शन करिए। और उसके बाद जो है दोबारा मान लीजिए बी पर, बी सही लग रहा है तो बी पर जो है मान लीजिए बी को टच कर दीजिए एक बार, तो बी वाला चूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सही लग रहा है तो ए पर जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हुए और यहाँ जो है आगे बढ़ते हुए आप लोग चले जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जाकर जो है सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप लोगों को भी यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बाद क्या करना है, सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोगों को एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो लिख कर आएगा योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपका जो है टेस्ट पेपर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, और मतलब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप लोग टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को आप लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि सबमिट तभी करें जब आप लोग पूरा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो फाइनल जो है सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के थ्रू आप लोगों को दिया जाएगा। जय हिंद।